हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए जो आपके लिए वीडियो, उसमें हम बताएंगे कि भाई नवंबर महीने में 5 ऐसे वैकेंसी है जिसके आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसी महीने में नवंबर नवंबर में 5 ऐसी भर्ती है जिनका आप फॉर्म भर सकते हो और एक अच्छी नौकरी आप पा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे SSC GD की जो आने वाली है नवंबर महीने में, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में भी 4 ऐसी कुछ भर्तियां हैं जिनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 5, 7 या 10 दिन बचे हैं फॉर्म भरने के, तो पूरा वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले भर्ती की बात करूं SSC GD में, बहुत एक इंपॉर्टेंट आपके लिए भर्ती है, अच्छी खासी पोस्ट इसमें आने वाली है दोस्तों। सबसे पहले भर्ती है जीडी की, तो इसमें कितनी पोस्ट आने वाली है दोस्तों, लगभग 60,000 के आसपास इसमें जो है वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। कितनी? 60,000 के आसपास इसमें वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखिए दोस्तों, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 नवंबर से इनके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं। 28 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे। कितना? 28 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। इनके जो एग्जाम की डेट है दोस्तों वो भी आ चुकी है। ठीक है, 20 फरवरी से लेके 12 मार्च तक आपके जो एग्जाम है वो होंगे। कितना? 20 फरवरी से लेके 12 मार्च तक आपके एग्जाम इसमें होने वाले हैं। क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, वो सिर्फ आपको 10th क्लास चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें एज क्या रहने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों यू आर कैंडिडेट की बात करेंगे, एज क्या रहेगी दोस्तों, तो 18 साल से लेके 23 साल तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 3 साल छूट ओबीसी को मिलेगी, तो 18 साल से लेके 26 साल तक ओबीसी का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। एसटी का और एससी का 18 साल से लेके आप 28 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई इसमें हाइट क्या है। ठीक है, 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हाइट का क्राइटेरिया रहने वाला है। आगे बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या होगा दोस्तों। तो सिलेबस की बात करेंगे तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल है, तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। अब बात करते हैं इनके मार्क्स की, तो 40 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, 40 के ये। ठीक है, आपके 80 क्वेश्चन टोटल है, 160 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो SSC GD की तैयारी कौन से बुक से कर सकते हो, तो ये किरण पब्लिकेशन की दोस्तों बुक है, पूरा सेट है। आप हिंदी का सोल्ड पेपर है, इसके अंदर 120 आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए प्रीवियस ईयर के। ठीक है, सामान्य ज्ञान के अलग अलग है, रीजनिंग और मैथ्स, कुल मिला के 4 सब्जेक्ट के आपके इसमें सोल्ड पेपर है दोस्तों। इन पेपर्स को लगा के चले जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये दोस्तों आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो या फिर ऑफलाइन भी आपने आसपास से कहीं से ले सकते हो दोस्तों। टाइमिंग दोस्तों आपको 60 मिनट मिलेगी इसको करने के लिए पूरा। ठीक है, 60 मिनट मिलेगी आपको पूरा पेपर करने के लिए। और जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, कल मैं बात करें तो बॉयज के लिए दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो होगी 24 मिनट में, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में। गर्ल्स के लिए 1600 मीटर रनिंग होगी दोस्तों। ठीक है, 1600 मीटर रनिंग होगी 8.5 मिनट में। ठीक है, ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया होगा। अब देखिए दोस्तों, आप SSC GD में भर्ती हो कि किन किन पोस्ट के ऊपर जा सकते हो। आप BSF में जा सकते हो, CRPF में जा सकते हो, ITBP में जा सकते हो, NCB में जा सकते हो, असम राइफल्स में, SSF में, CISF में। अब बात होती है भाई सर बेस्ट पोस्ट कौन सी है, हम कौन सा प्रेफर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक SSF भी अच्छी नौकरी है, NCB की भी है, CISF की भी है, ये नौकरियां बहुत अच्छी है, आप इनमें जा सकते हो, भर्ती हो सकते हो। बाकी सभी में आप भर्ती हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हर में होते हैं। जीडी में आपको मिलेगा, जितना अच्छा स्कोर करोगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस उसी हिसाब से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा जीडी का, इसका फॉर्म है दोस्तों आपका 24 नवंबर से आपका ऑनलाइन हो जाएगा और 28 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आगे। देखिए दोस्तों, हमारा एक पूरा बैच, हम पूरा एक टारगेटेड बैच लेंगे SSC GD का। ठीक है, हमारा एक पूरा टारगेट होगा SSC GD, आप उसमें जुड़ सकते हो दोस्तों। हमारे एक टेलीग्राम चैनल आपको का जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा SSC GD के नाम से। ठीक है, टारगेट SSC GD के नाम से है, उसमें दोस्तों आपको, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, आप समय समय पे वहां पे आपको पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा, सिलेबस के बाद में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे। और जब प्रैक्टिस सेट हमारा टॉपिक लगभग कवर होने लग जाएगा, तो फिर हम जो फुल प्रैक्टिस सेट है वो आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट उसमें आएंगे।
तो आप देख लो, ये पूरी एक रणनीति रहेगी दोस्तों, पूरा आपको तैयारी करवाने की। तो कहां से क्या क्या पढ़ के हम ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, भर्ती हो सकते हैं, तो पूरा हमारा टारगेट है, ठीक है, टारगेट है पूरा एसएससी जीडी। तो आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां। तो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों आपकी आईबी रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके अंदर आपके दो पद होंगे दोस्तों, एक तो सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट और एक एमटीएस, ठीक है। इसकी जो वैकेंसी है दोस्तों 362 वैकेंसी है, एमटीएस की 315 वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप जाके फॉर्म भर सकते हो। 14/10/2023 को इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया था, जो 13/11/2023 तक चलेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास 13 दिन है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका www.mha.government.in की जो वेबसाइट है वहां पे जाके इसका फॉर्म भर सकते हो आप। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ऐसे एमटी के लिए बात करेंगे तो 10वीं प्लस ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, 1 साल पुराना। एमटीएस की बात करेंगे तो आपको 10वीं पास आप होने चाहिए, और एक डोमिसाइल आपकी होनी चाहिए आपके पास में। आगे बात करते हैं दोस्तों एज, अगर एज की बात करेंगे तो आपको यू आर कैंडिडेट हो आप तो 18 साल से 27 साल तक फॉर्म भर सकते हो एसए एमटी के लिए। ओबीसी के लिए 30 साल तक, एससी एसटी के लिए 32 साल तक। अगर आप एमटीएस का भरना चाहते हो तो आप 18 से 25 साल ओबीसी यू आर कैंडिडेट, ओबीसी 18 से 28, एससी और एसटी 18 से 30 साल तक का फॉर्म भर सकता है। अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो दोस्तों जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20, रीजनिंग के 20 और इंग्लिश के 20, ठीक है। तो कुल मिला के आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे, 1 घंटा आपको टाइमिंग मिलेगा करने के लिए। ये दोस्तों पार्ट ए है। पार्ट बी में दोस्तों आपका होगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में अलग अलग चीज पूछी जाएंगी, एमटीएस में अलग चीज पूछी जाएगी, एसए एमटीएस में आपकी अलग चीज पूछी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आपकी दूसरी वैकेंसी, आप इसका फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन जाके, आप www.mha.government.in की साइट के ऊपर जाके, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरी वैकेंसी है आप लोगों के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, AAI। इसके अंदर जो वैकेंसी किस पद के लिए है, एयरपोर्ट अथॉरिटी जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी रिक्रूटमेंट। देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी वैकेंसी है। इसमें कुल पद कितने होंगे दोस्तों, इसमें जो कुल पद होंगे 496, कितने होंगे 496 कुल पद होंगे। इसमें सैलरी है दोस्तों बहुत ज्यादा है आपकी, 40,000 प्लस अलाउंसेज आपकी सैलरी होगी, ठीक है। जो आपकी अलाउंसेज वगैरह लग के 60-70 हजार के आसपास या ऊपर, उससे ऊपर ही सैलरी आपकी जाने वाली है। इसके जो फॉर्म है दोस्तों आपके 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप 1 नवंबर से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाके फॉर्म भर सकते हो। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। इसकी एग्जाम डेट है दोस्तों वो बता देंगे, जब भी आएगी तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी इसकी एग्जाम डेट आई आपको पता लग जाएगा। इसमें जो फीस की बात करें दोस्तों, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए फीस है, लड़कियों के लिए और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके एज क्राइटेरिया क्या है। तो 18 साल से लेकर 27 साल तक आप हो तो इसका फॉर्म भर सकते हो। जो रिलैक्सेशन की बात करेंगे दोस्तों, ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए, तो जो आपके रूल है आप जैसे नोटिफिकेशन देखोगे उसमें पूरा दे रखा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, वो है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में, आपके पास एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए फिजिक्स या मैथ्स में। इसी प्रकार से बीटेक की अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए फिजिक्स या मैथ्स, ठीक है दोस्तों। ये हमारी तीसरी भर्ती थी, कुल 496 पदों के ऊपर भर्ती है दोस्तों, आप जल्दी से जाके इसका फॉर्म भर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो। देखिए दोस्तों, चौथी भर्ती है आपकी असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, ठीक है, रैली रिक्रूटमेंट 2024। इसके अंदर दोस्तों टोटल पोस्ट होंगी आपकी 161 पोस्ट होंगी आपका। इसकी दोस्तों जो फॉर्म डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 21 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, जो आपके 19 नवंबर तक चलेंगे, ठीक है। एग्जाम डेट है दोस्तों 18 दिसंबर को इसकी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। एज है दोस्तों 18 साल से 23 साल तक जनरल कैंडिडेट का फॉर्म भर सकता है, ठीक है, बाकी 3 साल और 5 साल आपकी नियमित छूट रहेगी। आगे बात करते हैं पोस्ट क्या क्या है दोस्तों इसके अंदर। इसके अंदर कलरक की पोस्ट है, हवलीदार ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है, राइफलमैन की पोस्ट है, नायब सूबेदार की पोस्ट है, वारंट ऑफिसर की पोस्ट है, और भी 4-5 आपके इसके अंदर पोस्ट है। क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड होगी, जो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरोगे उसी के हिसाब से आपका जो वो है डिपेंड रहेगा। आप 10वीं पास भी उसमें फॉर्म भरे जाएंगे, 12वीं पास भी प्लस आपके पास डिप्लोमा है उसके हिसाब से भी फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। जिस पोस्ट के ऊपर आप फॉर्म भरेंगे उसी के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन चाहिएगी। इसके अंदर दोस्तों जो फीस है, ओबीसी के लिए, यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है, बाकी महिलाओं के लिए, एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। ये फॉर्म आप जल्दी से जाके भर सकते हो क्योंकि 19 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अच्छी भर्ती है, अलग अलग पोस्ट के ऊपर आप भर्ती हो सकते हो, तो फॉर्म जरूर भरो और एग्जाम जरूर देके आओ, ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं अगली भर्ती के ऊपर।
तो दोस्तों पांचवी और आखिरी भर्ती है आपकी बैंक डिपार्टमेंट में। अगर आप बैंक डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हो तो आप आपके लिए भर्ती है। देखिए दोस्तों राजस्थान अपेक्स एंड सीसीबी पोस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी भर्ती है। दोस्तों आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। आप ये मत सोचो कि राजस्थान के लोग ही फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है दोस्तों वो 18 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो 17 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे, तो आप फॉर्म भर सकते हो जाके, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कुल 684 पद होंगे, ठीक है, 684 पदों के ऊपर, अलग अलग पदों के ऊपर आपके भर्ती होगी। इसमें जो एज चाहिए वो 18 साल से लेकर 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों पोस्ट है वो बैंकिंग असिस्टेंट की है, मैनेजर की है, जूनियर असिस्टेंट की है, जूनियर अकाउंटेंट की है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी पोस्ट होंगी बैंकिंग असिस्टेंट के दोस्तों। आप बैचलर की आपकी डिग्री चाहिए होगी, आप किसी भी बैचलर डिग्री हो, मैनेजर के लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी। इसी प्रकार से अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन होगी। जब आप राजस्थान अपेक्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो दोस्तों आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी और आप फॉर्म भर दो, क्योंकि इसकी आखिरी डेट है दोस्तों 17/11/2023 है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।